अफेंड, अफेंड का मतलब होता है नाराज करना, ठेस पहुंचाना या फिर बुरा लगना। एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू अफेंड यू, आई डिड नॉट मीन टू अफेंड यू, यानी मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, यानी मैं आपको अफेंड नहीं करना चाहता था, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी बातों ने मुझे बहुत अफेंड किया, उसकी बातों ने मुझे बहुत आहत किया या ठेस पहुंचाई। तो अफेंड एक बोलचाल में यूज़ होने वाला वर्ड है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, सभी को पता है। एग्जाम्पल, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत मत डालो। या हर बात पे लड़ना उसकी हैबिट है, या उसकी हर बात में हंसना उसकी हैबिट है। तो हैबिट मतलब आदत, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, इसीलिए मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट वर्ड अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक, बेकार या फिर फालतू। अननेसेसरी। एग्जाम्पल, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, यानी अनावश्यक बर्बादी से बचने की कोशिश करो या अननेसेसरी खर्चा मत करो। तो अननेसेसरी मतलब बेकार का, फालतू। नेक्स्ट वर्ड है सीम। सीम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना या फिर लगना। एग्जाम्पल, दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग, दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग, यानी ये विचार बहुत दिलचस्प लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वाया। वाया का मतलब होता है के माध्यम से, के द्वारा या से, या के रास्ते या के जरिए। यानी अगर आप बोलना चाहो कि वो नागपुर से होता हुआ मुंबई गया, तो आप बोलोगे कि वो मुंबई गया वाया नागपुर, वो नागपुर से होता हुआ या नागपुर के माध्यम से मुंबई गया। एग्जाम्पल देखो, दिस न्यूज़ रीच्ड मी वाया माई आंट, यानी ये खबर मेरी चाची के माध्यम से, चाची के द्वारा या चाची के जरिए मुझ तक पहुंची। या ही वेंट टू मुंबई वाया नागपुर, तो वाया ऐसे यूज़ होता है, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मैं नहीं बोलूँगी कि सबको यूज़ करते हैं, बट अच्छा वर्ड है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टे क्रम में, उल्टे या विपरीत क्रम में। आपको मैं बताती हूँ कैसे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि उसने मेरी मदद की और मैंने उसकी मदद की, है ना, आई हेल्प हर एंड शी हेल्प मी। इसे को पूरे सेंटेंस को इतना बड़ा बोलने के बजाय अगर मैं ये बोलूँ आई हेल्प हर एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टे क्रम में पहली बात हुई, यानी मैंने उसकी मदद की, एंड वाइस वर्सा, एंड उसने मेरी मदद की। तो वाइस वर्सा बोल के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने से बच सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई हेल्प हर एंड वाइस वर्सा, एग्जाम्पल भी वही है, मैंने उसकी मदद की एंड उसने मेरी, वाइस वर्सा। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, लालन पालन या फिर परवरिश। एग्जाम्पल, आई हैव हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, आई हैव हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, यानी मेरी बहुत सख्त परवरिश हुई है, यानी मेरी जो परवरिश है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रिक्ट थी। या बोलचाल में आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि इसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, यानी उसकी जो परवरिश है बहुत अच्छी हुई है। तो इस तरीके से अपब्रिंगिंग यूज़ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है बचपन। एग्जाम्पल, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे चाइल्डहुड का फ्रेंड है। नेक्स्ट, नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। नेबर मतलब पड़ोसी। एग्जाम्पल, ही इज़ माई नेबर, सिंपली ही इज़ माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है। नेक्स्ट वर्ड है सिंपथी। सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, दया या फिर संवेदना। जैसे अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ और आप बुरा फील कर रहे हो उसके बारे में, आपको दया आ रही है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे उसके लिए बहुत सिंपैथी है, या उसके मन में बिल्कुल सिंपैथी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो इस तरीके से सिंपैथी मतलब सहानुभूति, दया या फिर संवेदना। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर बैगर्स, ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर बैगर्स, यानी उसके मन में भिखारियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, हठी, अहंकारी या फिर घमंडी। एग्जाम्पल, बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, आत्मविश्वासी बनो पर
एरोगेंट नहीं, पर घमंडी नहीं या अहंकारी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। डिलेमा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है कश्मकश, दुविधा या धर्म संकट या फिर असमंजस। जैसे अगर आप दो चीज़ों के को लेके कंफ्यूज हो कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, तो आप बोल सकते हो मैं बहुत डिलेमा में हूं कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, मैं डिलेमा में हूं कि मैं किस कॉलेज में जाऊं, मैं डिलेमा में हूं कि मैं कौन सा कोर्स सिलेक्ट करूं। तो डिलेमा मतलब कश्मकश या फिर दुविधा। एग्जाम्पल, आई एम इन अ डिलेमा। आई एम इन अ डिलेमा यानी मैं दुविधा में हूँ। आई एम इन अ डिलेमा अबाउट माई कॉलेज। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी बात को बहुत जोर देना या महत्व देना। एग्जाम्पल देखो, शी एम्फसाइज ऑन सम पॉइंट्स। शी एम्फसाइज ऑन सम पॉइंट्स यानी उसने कुछ पॉइंट्स को एम्फसाइज किया, उसने कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। यानी या बोलचाल में आप कैसे बोल सकते हो कि उसने स्कूल जाने को बहुत एम्फसाइज किया, यानी उसने स्कूल जाने की बात को बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा, उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, महत्व दिया। तो एम्फसाइज भी बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या लालसी या फिर उमंगी, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा चाहत हो किसी बात को अचीव करने की, तो उसे हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागता हो, है ना, उसको सक्सेस चाहिए, तो हम बोलेंगे बहुत महत्वाकांक्षी है यानी एम्बिशियस है। एग्जाम्पल, शी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड। शी इज़ एम्बिशियस टू सक्सीड यानी वो सफल होने के लिए महत्वाकांक्षी है, बहुत लालची है, यानी उसे सफल होने की बहुत ज़्यादा चाह है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सस्पिशियस, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड। सस्पिशियस का मीनिंग होता है शंकालु, शंकास्पद, शंकित या शकी या संदिग्ध, यानी जिस पर आपको शक हो या जिसको शक हो, तो उसे हम बोलेंगे सस्पिशियस। जैसे आपको किसी पर शक हो तो आप बोलोगे आई एम वेरी सस्पिशियस अबाउट हिम, मुझे उस पर बहुत शक है। या अगर कोई शंका में आ जाए, यानी कोई बहुत ज़्यादा शंकित हो जाए, तो आप बोलोगे ही गॉट सस्पिशियस, यानी उसको बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। ठीक है, तो सस्पिशियस मतलब शंकालु। एग्जाम्पल, आई एम सस्पिशियस अबाउट हर मोटिव्स। आई एम सस्पिशियस अबाउट हर मोटिव्स यानी मुझे उसके इरादों पर शक है, मुझे उसके मोटिव्स पर शक है।